और कानपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस को हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने यूपीएसएससी को परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गल्ला मंडी में स्थित चित्रा डिग्री कॉलेज के सहायक प्रबंधक के शय पर यह चल रहा था नकल का खेल। पुलिस ने सहायक प्रबंधक के साथ 3 सॉल्वरों के साथ 4 छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। वह गिरफ्त में आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, प्रवेश पत्र की ओमार शीट और करीब 3 लाख रुपए बरामद भी किए हैं। साथ ही पुलिस अब पकड़े हुए गैंग के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। कल दिनांक 26/3 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UPSSSC का एग्जाम 2 सेंटरों में चित्रा डिग्री कॉलेज में हो रहा था। इस एग्जाम में क्राइम ब्रांच में इंफॉर्मेशन पर और संयुक्त टीम क्राइम ब्रांच की श्री मनीष सोनकर एडिशनल DCP इनके नेतृत्व में और अभिषेक पांडे ACP नौबस्ता इनके द्वारा पाया गया कि वहां पर एग्जाम जो चल रही है उसमें सॉल्वर के रूप में बाहर लोग कुछ कार्य कर रहे थे। इसमें पता ये चला कि जो सेंटर प्रबंधक है ये उनकी मिलीभगत से इसमें कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट जो अंदर एग्जाम दे रहे थे इनका सहयोग सेंटर प्रबंधक कर रहा था और बाहर 3 सॉल्वर बैठे थे। जो प्रश्न की सीरीज होती है वो सीरीज बाहर पहुंचाई गई थी, OMR शीट को उनको बताया गया था और WhatsApp के माध्यम से प्रश्न उनको भेजे जाने थे। इसी दौरान उनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसमें पूरी जानकारी ये हुई कि ये इन्होंने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इनसे बरामद हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।